सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस मॉर्निंग सेशन में। अगेन आप सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम और आप यहाँ पर बैठे हैं अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ कामयाबी करने के लिए। साथियों, ये पांच चीजें जो आपके सामने आ रही हैं, इन पर जाने से पहले मैं एक बात आपसे जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि ये पांच चीजें आज पहली बार नहीं बताई जा रही है, इससे पहले भी आप जान चुके हैं, पहले से भी आप इन चीजों को कर रहे हैं, लेकिन कुछ बात है जो मैं आपको जरूर क्लियर करना चाहूंगा। आज से पहले हम और आप एक बात जरूर सुनते थे, IQ, इंटेलिजेंट क्वोशेंट। मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग इंटेलिजेंट होते हैं, बचपन में ही समझ में आ जाता है, अरे वो लड़का तो बहुत होशियार है, अरे वो तो बहुत इंटेलिजेंट है। तो जिसका IQ अच्छा है वो जिंदगी में कुछ बड़ा करेगा, ऐसा हमारे समाज में, हमारे परिवार में बोला जाता था। यस और नो? यस यस। और बचपन में ही मोहर लग जाती थी कि उनका बच्चे का बहुत IQ अच्छा है, उसको कुछ भी सवाल दे दो कर देता है, कुछ भी बता दो सीख लेता है, IQ बहुत अच्छा है। मुझे नहीं पता कि आपका IQ कैसा है, मेरा IQ बहुत अच्छा नहीं था, आपका कैसा है मुझे नहीं पता, लेकिन IQ से सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी इस बात की गारंटी तो मैं नहीं ले सकता हूं, लेकिन IQ का मतलब आज से पहले इंटेलिजेंट क्वेश्चन था, लेकिन अब IQ का मतलब थोड़ा दूसरा है। अगर वो मतलब आप समझ लिए और उसको मान लिए, कोई भी मानने के लिए तैयार है, तो आपकी सफलता 100% निश्चित है। जो मैं अब IQ आपको बताने वाला हूं उसका नाम है इंप्लीमेंट क्वेश्चन। जो व्यक्ति किसी चीज को सीखने के बाद इंप्लीमेंट कर लेता है अपनी जिंदगी में, उसकी सफलता 100% निश्चित है। खासकर हमारे इस बिजनेस के अंदर IQ कितना अच्छा है पहले वाला, उससे कोई लेना देना नहीं। आप इंटेलिजेंट कितने हैं कोई गारंटी नहीं आप सफल होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन आप इंप्लीमेंट कितना करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति यहां पर आता है 100 चीजें सीख लेता है क्योंकि IQ अच्छा है, इंटेलिजेंट है, लेकिन वो इंप्लीमेंट एक भी नहीं करता है, कुछ नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? यस और नो? यस सर। कुछ नहीं होगा, आप 10 बातें जानते हैं लेकिन 10 बातों को इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो इसका मतलब आपकी जिंदगी में वो हो जाएगा जो आपने सोचा है। लेकिन आप 100 बातें जानते हैं, इंप्लीमेंट एक भी नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस गुरुजी। बहुत सारे लोग यहां पर आते हैं और पहले दिन से ही इस बात को समझ लेते हैं कि यहां पर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं और अचीवमेंट उनके पास में आना स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे लोग सब कुछ देखने के बाद, समझने के बाद एक्सेप्ट नहीं करते चीजों को, उन्हें ऐसा लगता है कि और कोई तरीका है, मैं तो अपने हिसाब से करूंगा, सिस्टम क्यों फॉलो करूं, मैं अपना सिस्टम बनाऊंगा, और बहुत सारे लोग यहाँ पे फेल होके रह जाते हैं। तो आइए चलते हैं कि क्या बातें हैं जो आपको इंप्लीमेंट करनी ही पड़ेंगी अगर आपको यहाँ कामयाब होना है, सफल होना है। तो 5 चीजें हैं, अगर आपने इंप्लीमेंट कर ली आप जिंदगी में कभी भी फेल हो ही नहीं सकते। हर 7 दिन जो आपको मिलते हैं, 7 के 7 दिन अगर आप ये 5 काम करेंगे, 8वें दिन आपका चेक बढ़ेगा। ये सब 5 के 5 काम अपनी टीम को सिखा के करवाएंगे, आपका चेक और बढ़ेगा और आपका चेक इतना बड़ा हो जाएगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। और ये 5 काम करके आज मैं लाखों रुपए की इनकम पे पहुंच चुका हूं, और यही 5 काम करके बहुत सारी टीम में लोग पहुंच रहे हैं। ये सब कुछ हमें हमारे सिस्टम ने, हमारे महागुरु जी लोगों ने आशीर्वाद देके ये बताया, समझाया कि ऐसे करना है, हमने फोकस किया और आज ये चीजें हो पा रही हैं। इसके लिए आपको 2 काम करने पड़ेंगे, एक आपको अपनी आदत डालनी पड़ेगी और एक आपको फोकस करना पड़ेगा। जब आपका रेगुलर फोकस रहेगा 7 दिन कि मुझे करना है, अमल करना है, इंप्लीमेंट करना है, और उसके लिए फिर अपनी आदत बनानी है। अमल करने की भी आदत होती है, अमल ना करने की आदत होती है। अगर आप अमल नहीं करते हैं, इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तो इंप्लीमेंट ना करने की आदत पड़ जाएगी, लेकिन कर करके अगर आपने इंप्लीमेंट करने की आदत डाल ली तो चेक आने की लाइन लग जाएगी, चेक बनने की आदत डल जाएगी। कितने लोग तैयार हैं? यस महाराज। यस गुरुजी। तो आप और हम एक बात जरूर चेक करें, सबसे पहली चीज है लिस्ट। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में नेगेटिव होके बैठ जाते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, उनसे पूछते हैं सर क्या हुआ, अरे सर मेरी तो लिस्ट खत्म हो गई, मेरे पास तो कोई है ही नहीं, मैं किसको प्लान दिखाऊं।
ये सच्चाई नहीं है, सच्चाई इससे कुछ और है। सच्चाई ये है कि हमने चीजों को गहराई से जो बताया गया उनको माना ही नहीं। सच्चाई ये है कि हम सिस्टम को फॉलो कर ही नहीं रहे हैं। अगर हम देखें तो कभी किसी इंसान की लिस्ट खत्म हो ही नहीं सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और हर इंसान के टच में, मोबाइल में बिल्कुल वो किसी को नहीं जानता है, तो भी 100 नाम तो होते ही है, क्योंकि इंसान आज अपने घर वालों के नंबर सेव करता है, रिश्तेदारों के नंबर अपने मोबाइल में सेव करता है, दोस्तों के नंबर सेव करता है, जिन लोगों से उनको काम पड़ता है या पढ़ सकता है उनके नंबर सेव करता है। आप किसी का भी मोबाइल उठा के चेक कर लीजिए, 150, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, मेरे मोबाइल में 2700 नंबर है। होते हैं कि नहीं होते हैं, आप इस बात पे एग्री हैं कि नहीं है बताएं जरा। यस सर, बिल्कुल। अब मेरे को किसी ने ज्वाइन कराया, लेकिन उस व्यक्ति ने, मुझे नहीं पता कि क्या लिस्ट होती है, मैं तो नया हूं, लेकिन ये लीडर की जिम्मेदारी है कि बैठ के मेरा विजन क्लियर करा के कि सर आपने जो बिजनेस ज्वाइन किया है, ये बिजनेस ने आज हजारों नहीं लाखों लोगों की जिंदगियों को बदला है। आज मैं आपको एमडी सर के बारे में बताता हूं कि बिजनेस इस प्लेटफॉर्म के पीछे एमडी सर की सोच है। आइए देखते हैं कि एमडी सर क्या बोलते हैं। एमडी सर का वीडियो मुझे दिखाया, इस बिजनेस की पावर बताई, डायरेक्ट सेलिंग की पावर बताई, और आपने बैठ के बोला सर ये सारी चीजें अगर आपकी जिंदगी में हो जाए तो कैसा रहेगा। मैं बोलूंगा बहुत अच्छा रहेगा, तो बोले सर इसके लिए एक छोटा सा काम करना है, मैं पूछूंगा क्या करना है, तो आपने बताया कि सर आपको अपना मोबाइल निकालना है और डायरी निकालनी है, सर मोबाइल में से आपको कम से कम 100 लोगों के नाम राइट डाउन करने हैं, लिस्ट बनानी है, बस इतना काम है, कि आप करने के लिए तैयार हैं। तो कौन सा व्यक्ति करने में कौन सी आफत आ रही है, मोबाइल निकाल के अपनी लिस्ट बनाने में कौन सी दिक्कत है। आपने बैठ के 100 लोगों की लिस्ट बनवा ली और उन 100 लोगों की लिस्ट में से उनकी हॉट लिस्ट के लोग 20-25 अलग कर लिए, और उसमें से भी जिनकी इनकम 35,000 से ऊपर है उनको अलग करके ऐसे 10-15 लोगों को अलग 100 लोगों में से किया, और बोले कि सर आप एक काम करिए, ये जो 15 लोग हैं चलिए इनसे बात करिए और मैं चलता हूं, मैं प्लान दिखाऊंगा, आप भरोसा दिलाना जो चीजें आपने समझी है, और उसके बाद चलिए मैं आपका लेवल कराता हूं। और आप मेरे साथ आए, मेरे 15 लोगों को प्लान दिखाया, और उसके बाद उसमें से कम 3-4 ज्वाइनिंग आई और मेरा लेवल हो गया। लेवल होने के बाद मेरे साथ जो 3 लोग आए, 4 लोग आए, 5 लोग आए, आपने फिर मेरे से बोला कि सर जो प्रोसेस मैंने आपके साथ किया आप भी इन लोगों की लिस्ट बनवाइए, और आपकी जो अभी लिस्ट बची हुई है उस पर हम फिर चलेंगे, तब तक आपका ये काम है कि आपके साथ जो लोग आए आप इनकी भी लिस्ट बनवाइए। अब मेरे साथ 4 लोग आ गए, मैंने उन 4 लोगों की 100-100 की लिस्ट बनवाई, मेरे पास 400 की लिस्ट आ गई। 400 लोगों को हमने और हमारे सीनियर ने मिला के प्लान दिखाना स्टार्ट किया, आगे बढ़ना स्टार्ट किया। अरे 400 लोगों की लिस्ट पे काम होगा, 40 लोग तो आएंगे, 80 लोग तो आएंगे, और हम सब लोग मिलके फिर उन 80 लोगों की लिस्ट बनवाएंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कब लिस्ट खत्म हो जाएगी। कभी नहीं लिस्ट खत्म होगी, कभी। लिस्ट खत्म होने का कारण सिर्फ एक ये है कि हमारा इम्प्लीमेंट क्वेश्चन सही नहीं है, हम इम्प्लीमेंट प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, हम लोगों की FIM नहीं कर रहे हैं, हम छोड़ देते हैं लोगों को। अगर आपने लिस्ट बनाने का प्रक्रिया लगातार अपनी टीम में डेवलप कर दी, इसको डुप्लीकेट कर दिया, तो आप यकीन मानिए 100% आप यकीन करिए कि कभी आपकी लिस्ट खत्म नहीं होगी, और कभी आपको ये मन नहीं करेगा कि मेरा बिजनेस होगा कि नहीं होगा। जब आपकी लिस्ट बनना तैयार हो जाएगी, रेगुलर लिस्ट रहेगी, रेगुलर प्लान रहेंगे, डेली आपका शेड्यूल रहेगा प्लान करने का, तो दूसरा काम आ जाता है प्लान। जैसा हमने कल भी डिस्कस किया था, डेली इंसान नौकरी पर जाने के लिए तैयार होता है और डेली नौकरी में काम करता है, डेली अपने धंधे में काम करता है, तैयार होता है, लेकिन क्या हम प्लान दिखाने के लिए डेली तैयार होते हैं? क्या हमारा ये फोकस और हमारी आदत बन पाई कि हमें डेली किसी ना किसी को प्लान दिखाना है? अगर नहीं बन पाई तो हमें और हमारी टीम को ये आदत बनानी पड़ेगी, क्योंकि जब बिना नौकरी में डेली काम किए काम नहीं होता है, बिना धंधे में काम किए काम नहीं होता है, तो SLPS वेलनेस वहां पे धंधे में नौकरी में एक लिमिटेड इनकम या अनलिमिटेड इनकम करने के लिए क्या प्लान नहीं दिखाना पड़ेगा? आज इतने भी लोग इस पैनल के ऊपर बैठे हैं, ईमानदारी से आप सोच के देखिए, क्या आपको प्लान नहीं दिखाया गया होता तो क्या आप यहां पर आज होते? मेरे को प्लान नहीं दिखाया गया होता तो क्या मैं आज होता?
जितने भी लोग इस बिजनेस के अंदर आते हैं प्लान देखकर आते हैं, और प्लान के साथ साथ हमें सिर्फ ये बताना होता है कि प्लान से कैसे उनकी जिंदगी की प्रॉब्लम दूर हो सकती है। आने वाला आता है, नहीं आने वाला नहीं आता, लेकिन बिना प्लान देखे तो कोई नहीं आता। यस और नो? यस गुरु जी, बिल्कुल। यस सर। तो इस बिजनेस के अंदर आपको प्लान देना सीखना ही पड़ेगा। अगर आप अपने प्लान पे पकड़ नहीं बना रहे हैं, प्लान देना नहीं सीख रहे हैं, आप अपने अप्लायंस से बोलिए कि सर मैं ब्रॉन्ज बन गया हूं। अगर आपके अपलाइन की मदद से आप ब्रॉन्ज बन गए हैं, तो ब्रॉन्ज के बाद सिल्वर बनने से पहले आप प्लान देना सीख लें। आप सिल्वर बन गए, प्लान देना नहीं आता है, तो आपका बिजनेस बहुत बड़ा नहीं हो पाएगा। केवल ब्रॉन्ज बनने तक छूट है। ब्रॉन्ज बनते बनते आप प्लान की तैयारी कर लें, और जहां प्लान दिखाने जाएं वहां बताएं कि मैं ब्रॉन्ज फर्स्ट लेवल कर लिया हूं और 18 लेवल भी करूंगा, क्योंकि पहली सीढ़ी चढ़ चुका हूं, 2500 का चेक आ चुका है, अगला चेक 7500 का आ रहा है, और जो जिससे आ रहा है वो प्लेटफॉर्म ये है, ये प्लान है, ये प्रोडक्ट है। बैठ के अपने अपलायन के सामने घंटे दो घंटे पूरी रात भी लगे ना, तो सीख लो कि सर मुझे सिखा के भेजो। अगर आपने प्लान देना सीख लिया और आप डेली दो टूल किट अपने बैग में रखना चालू कर दिए, रात को आपके घर पे कोई रिश्तेदार आया, आप प्लान दिखा सकते हैं। टूल किट होगी तो टूल किट भर सकते हैं। अब टूल किट नहीं है, वो बोलता है भाई साहब हमें किट दे दो, बोले अभी है नहीं, मैं बाद में मंगाता हूं, और रिश्तेदार चला गया दूसरी सिटी में, 200 किलोमीटर दूर से आया था। अगर वो किट लेके जाता और वहां बोलता, फोन करता 4 दिन बाद, अरे मैंने ये 4 लोगों को बताया था, सब तैयार है, आ जाओ ज्वाइन करवा दो आके, किट ही नहीं है, तो क्या दिखाएगा जाके वो व्यक्ति। तो आपके घर पे कम से कम बैग में 2 किट सबके पास होनी ही चाहिए, अपने अप्लायंस से सिस्टम से लेके 1200 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके रखो। आप किट भर जाए दोनों, फिर मंगा लो, दो किट का टर्नओवर आपके पास होना चाहिए। प्लान आपको करना आना चाहिए, फॉलोअप। जब आपने प्लान दिखा दिया तो बहुत सारे लोग तुरंत ज्वाइन नहीं होते, उनके सवाल होते, अरे ऐसे तो और भी एक कंपनी आई थी, वो भी जो थी RCM थी, MBA थी, वैसी तो है आपकी ये, अरे वो हमारे रिश्तेदार ने किया था, उसका तो कुछ हुआ नहीं। अरे हमने भी कई बार इन कंपनियों में ज्वाइनिंग की थी, हमारे दोस्त ने करवाई थी, कुछ हुआ नहीं। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है साहब, कहाँ आप चक्कर में पड़ गए। ऐसे सवाल आते हैं कि नहीं आते? यस सर, यस सर, यस सर। आदमी की जेब में 1 रुपया नहीं है, लेकिन ज्ञान देना चालू कर देगा आपको। इसको बोलते हैं फॉलो। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, फॉलोअप की प्रैक्टिस कर लीजिए, अपलाइन के साथ बैठिए। लोग बोलते हैं ठीक है सर, आप बता रहे हैं, इतना आए हैं, समझाए हैं, तो मैं सोचूंगा, और हम आराम से चले जाते हैं। अपलाइन पूछते क्या रहा सर आज, सर 2 प्लान दिखाए थे, क्या रिजल्ट रहा? सर उन्होंने बोला है सोच के बताएंगे। हमने टाइम लगाया, एनर्जी लगाई, पैसा खर्च किया आने जाने में, और प्लान दिखा के चले आए सोचने के लिए? नहीं भाई, नहीं चलेगा। फॉलोअप करना सीखिए। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि सोचूंगा, तो उठना नहीं है, वहीं पे अड़ जाना है, बोले बिल्कुल भाई साहब सोचना चाहिए। वैसे सर बुरा ना माने तो पूछना चाहूंगा, सर क्या सोचेंगे आप, क्या सोचेंगे? सवाल करिए, क्या सोचेंगे आप, बिजनेस क्यों करना है या कैसे करना है? आप चुप हो जाइए, पूछिए उसको, वो बताएगा। सोच रहे हैं, देखते हैं, करें ना करें, थोड़ा समझ लें फिर करेंगे। सर कहां से समझेंगे? सर इस बिजनेस में, किसी भी काम में जो व्यक्ति पहले से काम कर रहा है वही समझा सकता है। सर आपको अगर फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमार है, तो हॉस्पिटल जाएंगे कि नहीं जाएंगे? आपको सामान चाहिए तो मार्केट जाएंगे, आपको भैंस खरीदनी है तो भैंस के मार्केट में जाएंगे, ट्रैक्टर खरीदना है तो ट्रैक्टर की दुकान पर जाएंगे। वैसे ही सर इस बिजनेस में अगर आपको कुछ समझना है, तो जो लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं वो उनके बीच में जाके सीख पाएंगे या समझ पाएंगे, या जो कर नहीं रहे वहां समझ पाएंगे? जो कर रहे हैं वहां समझ पाएंगे। तो सर मैं बैठा हूं, सर बताओ सर क्या समझना है, मैं बताता हूं। आप छोड़ना नहीं है। आदमी बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, तो हम बोलते सर ठीक है पैसा हो जाए तो बता देना, बोले अगले जन्म में हो जाएगा। पैसा नहीं है ये मुद्दा नहीं है, पैसा क्यों नहीं है भाई साहब, ये मुद्दा है, पूछो उससे। सर आपको 20 साल आपने बताया नौकरी करते हुए हो गए, और आज 15000 रुपए नहीं है। सर इसीलिए तो आज मैं आपके पास आया हूं,
इसको बोलते हैं फॉलो अप। आदमी सवाल करे तो खुश हो जाओ यार, यही 4-5-10 सवाल होते हैं लोगों के। अरे मैं सोच के बताऊंगा, पैसा नहीं है, आपके प्रोडक्ट महंगे हैं, कोई खाके मर गया तो, कंपनी भाग गई तो, है ना, मेरे पास टाइम नहीं है, ये मेरे मेरे मतलब का काम नहीं है, मैं किसी को घर घर नहीं जा पाऊंगा, ये तो डोर टू डोर वाला काम है। तो उसको बताओ भैया ये सेल्समैन ही का काम नहीं है। अगर किसी के पास जाते हैं तो रेफरेंस के थ्रू जाते हैं, जहां जाते हैं आदमी चाय पिलाता है, पानी पिलाता है, खाना खिलाता है, इज्जत के साथ बैठाता है, क्योंकि हम कहाँ जाते हैं, अगर हमने किसी को ज्वाइन कराया तो वो कहाँ लेके जाता है, अपने घर पे, अपने रिश्तेदार के यहाँ पर, तो उनकी जो रिस्पेक्ट होती है वो हमारी होती है। तो डोर टू डोर कहाँ हुआ, ये रेफरेंस टू रेफरेंस बिजनेस है, डोर टू डोर नहीं है, समझने की कोशिश करो। तो ये फॉलो अप में जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं इनकी तैयारी करनी है, अपलाइन के साथ बैठना है, एक बार फॉलो अप करा लो, दो बार फॉलो अप करा लो, फिर अपलाइन का टाइम लेके टेबल पे आमने सामने बैठ के अपलाइन से बोलो कि सर आप सवाल करो, मैं जवाब दूंगा, मेरी कमी को सुधार करो। और अगर आपको फॉलो अप करना आ गया और आपके घर पे रिश्तेदार दोबारा आ गया तो रात में फॉलो अप कर देंगे कि नहीं कर देंगे? फॉलो अप करना पड़ेगा, फॉलो अप करना पड़ेगा। जिस व्यक्ति को ज्वाइन करा लिया उसकी FIM 24 घंटे के अंदर और 100% यूजर, आपको रजिस्ट्रेशन करना सीखना है, अपने अप्लायंस से बैठिए रजिस्ट्रेशन करना सीख लीजिए। प्रोडक्ट जो आपको यूज करने हैं पूरी फैमिली में अगर यहाँ आ रहे हैं उनको यूज करना है, 100% प्रोडक्ट यूजर, 100% सिस्टम यूजर, आपको सिस्टम का सब काम आना चाहिए, मेल करना आना चाहिए, रजिस्ट्रेशन करना आना चाहिए, प्रोडक्ट में कैसे कैसे कॉम्बिनेशन देना है वो याद करना है, वो डायरी नोट करना है। तो ये 5 काम ऐसे हैं, अगर आप इनको अपने आप को इम्प्लीमेंट करते हैं, सीख लेते हैं, इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, टीम को सिखा देते हैं, तो आपको टारगेट हर बार जीतने में और हर वीक चेक बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक दिन का काम नहीं है, ये डेली का काम है, जैसे डेली नौकरी है, डेली धंधा है, वैसे डेली हमें इस पे काम करना पड़ेगा। यही 5 ऐसे काम है जिसको हमें डेली करना है, डेली किसी ने किसी की लिस्ट बनवानी चाहिए, डेली किसी ने किसी का प्लान करना है, डेली किसी ने किसी का फॉलो अप करना है, डेली किसी ने किसी की FIM करनी है, डेली किसी ने किसी को 100% यूजर बनाना है। तैयार हैं आप लोग? यस गुरु जी, यस गुरु जी। जब आप ये काम करते हैं तो हमारे बिजनेस में एक चीज काम करती है, इसको बोलते हैं, एक जादू काम करता है जिसका नाम है डुप्लीकेशन। धरती का एक इकलौता ऐसा काम है नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जिसमें डुप्लीकेशन होता है, वरना हर जगह आप करते हैं तो काम चलता है, नहीं करते हैं तो नहीं चलता है। लेकिन यहीं पर डुप्लीकेशन होता है जब ये सारी चीजें आप फॉलो करते हैं, मानते हैं, तो आपकी टीम में डुप्लीकेशन हो जाता है। तो डुप्लीकेशन इज एसेंशियल फॉर सक्सेस, सफलता के लिए डुप्लीकेशन बहुत जरूरी है। अब डुप्लीकेशन 2 तरीके का होता है, एक राइट डुप्लीकेशन होता है, एक रॉन्ग डुप्लीकेशन होता है। अगर आपने जानबूझ के अच्छी चीजें डुप्लीकेट नहीं करी, आपकी फोन ना उठाने की आदत है, फील्ड में ना जाने की आदत है, तो आपकी टीम में क्या डुप्लीकेशन होगा? फोन ना उठाने का, जिम्मेदारी ना लेने का, फील्ड में ना जाने का, और प्लान ना दिखाने का डुप्लीकेशन हो गया, तो क्या आपको सक्सेस मिलेगी? नो सर, नहीं मिलेगी गुरुजी। टीम तो डुप्लीकेशन करेगी, टीम तो डुप्लीकेशन करेगी, बस आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप डुप्लीकेशन कैसा करवाते हैं, राइट या रॉन्ग, राइट या रॉन्ग। कितने लोग राइट डुप्लीकेशन करवाएंगे? यस गुरुजी, राइट करवाएंगे। यस मां गुरुजी। पहले की अपेक्षा टारगेट करना हुआ और आसान। आज से आपको एक नियम बनाना है, जब हमारी संस्था डेली आईडी को ग्रीन करती है, आपने किसी का पैसा लिया और कंपनी में क्लोजिंग डाल दी, उसी दिन उसकी आईडी ग्रीन हो जाती है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमारी क्लोजिंग वीकली होती है? वीकली हमारा चेक बनता है, क्लोजिंग हमारी डेली होती है। इस बात को आज आप समझ लें, जितने भी सीनियर लीडर्स यहाँ बैठे हैं, जितने भी गोल्ड बैठे हैं, प्लैटिनम बैठे हैं, अब आप ये बोलना बिल्कुल डायरी से, डिक्शनरी से निकाल दो कि हमारी क्लोजिंग वीकली होती है। इस बात को समझने की कोशिश करें, हमारी क्लोजिंग डेली होती है, क्लोजिंग डेली होती है। 7 दिन की क्लोजिंग के बाद चेक बनता है वीक का एक, लेकिन क्लोजिंग तो डेली होती है। वीकली क्लोजिंग तब मानी जाती है कि आप ज्वाइनिंग डालते रहते और वीक में जाके सारी क्लोजिंग एक साथ ग्रीन होती। क्या ऐसा होता है? नो गुरुजी।
तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी वीकली क्लोजिंग है? नहीं, क्लोजिंग तो डेली है, चेक वीकली बनता है। तो अगर हम डेली क्लोजिंग करेंगे तो वीक में अच्छा चेक बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर आपको वीक का चेक बढ़िया और बड़ा चाहिए तो डेली क्लोजिंग करना चालू कर दीजिए। डेली जो एसपी आए क्लोज कर दो, डेली क्लोजिंग निकालो, डेली क्लोजिंग करो, डेली क्लोजिंग करो, डेली रिपोर्टिंग करो और डेली मॉनिटरिंग करो। जो लोग आपके साथ में आए उनकी एफआईएम हुई कि नहीं हुई, जो लोग आए उनकी लिस्ट बनी कि नहीं बनी, कौन करेगा डेली मॉनिटरिंग? अगर कोई व्यक्ति या एमराल्ड बैठे हैं और उनकी टीम में अगर 4 गोल्ड हैं, 2 प्लेटिनम हैं, कुछ लोग सिल्वर हैं, तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप जरूर चेक करें। क्योंकि कोई सिल्वर है अभी उनको इतनी लीडरशिप नहीं है, आपने लीडरशिप डेवलप करी है, आप उनको याद दिलाइए कि सर जो लोग आपके साथ आए उनकी एफआईएम करिए, देखकर तो मैं आता हूं। जब तक आप मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, हम लोग फ्रेशर से आते हैं, लीडर बनने में टाइम लगता है, हमें कोई बताने वाला हो तो हम सब कर लेते हैं, कोई रास्ता दिखाने वाला तो हो। तो सारे लीडर्स की जिम्मेदारी है कि हमारे जो साथी नए बैठे हैं ये सब बड़ा करना चाहते हैं, इनको एक डायरेक्शन की जरूरत है। टाइम टाइम पे हम अपना डायरेक्शन दीजिए, साथ दीजिए, डेली मॉनिटरिंग में रखिए एक एक व्यक्ति को, क्या रखने के लिए तैयार है? यस गुरुजी। यस गुरुजी। अगर आप डेली के डेली सारी चीजों की जिम्मेदारी लेंगे तो आपका टारगेट और आसान हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है शुरुआत करने के लिए महान होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि करूंगा शुरुआत सर, अभी रुक जाओ, अभी थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा महान बन जाऊं, थोड़ा परफेक्ट हो जाऊं, थोड़ा सीख लूं और सीख लूं। कितना सीखोगे भाई? 6 महीने हो गए तुम्हें सीखते सीखते, कितना सीखोगे? अरे आज सीखा आज इंप्लीमेंट करो, कल सीखा कल का कल इंप्लीमेंट करो, फील्ड में उतरो, बहुत सीख लिया। शुरुआत करने के लिए महान होने की जरूरत नहीं, पर महान बनने के लिए शुरुआत करनी पड़ती है। बस शुरुआत करो, आज के आज उतर जाओ, आज मुट्ठी बांधो कि मुझे गोवा टारगेट करना है और फील्ड में उतर जाओ। उठो, तब तक चलते रहो जब तक आपका टारगेट ना हो जाए। आपको गोवा जाने का मौका है, हवाई जहाज में बैठने का मौका है। कल मैं मीटिंग कर रहा था, वहां मैंने पूछा 100-150 लोगों में मात्र 5-6 लोग थे जो हवाई जहाज में बैठे थे। आज मैं करीब 4-5 बार हवाई जहाज में जा चुका हूँ AWPL की वजह से। अभी 21 तारीख को फिर जाना है, जाऊंगा हवाई जहाज से, आऊंगा हवाई जहाज से, उसके बाद ये गोवा टारगेट भी हो चुका है, इसमें फिर गोवा जाना है, फिर आएंगे जाएंगे। जुलाई में दुबई जाना है, उसके बाद थाईलैंड जाना है, उसके बाद मलेशिया का भी टारगेट हो रहा है तो लेवल पे, फिर मलेशिया जाना है, तब तक 3 महीने, फिर कोई टारगेट आ जाएगा, फिर उसमें जाना है। हर महीने अब फ्लाइट हो रही है, और एक बार एक जिंदगी वो थी कि 32-34 साल में कभी फ्लाइट में नहीं बैठे थे, आज AWPL की पावर है कि अब ऐसी जिंदगी होती चली जा रही है कि हर महीने फ्लाइट में बैठने का मौका मिलने जा रहा है। कैसे हुआ? शुरुआत करी गई। क्या आप शुरुआत करने के लिए तैयार हैं? यस गुरु जी। क्या करना है? टारगेट, बस टारगेट, बस टारगेट पे फोकस करिए। और कुछ बेनिफिट है टारगेट करने के, अगर आप हर बार टारगेट जीतते हैं। अगर आप हर बार टारगेट करते हैं तो हर 3 महीने में आपका लेवल चेंज होता है। आप 2 वर्ष में डायमंड बन सकते हैं। ताने मारने वाले लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए टारगेट करना है। विदेश यात्रा करने का मौका मिलेगा। चेक साइज बढ़ाने के लिए टारगेट करना है। 10,000 रुपए महीने से ऊपर तुरंत चले जाएंगे आप। अचीवमेंट घर पे लाने के लिए टारगेट करना है। कम समय में बड़ा काम करना है। अब सवाल ही आता है कि टारगेट करने के लिए हमें सामने वाले से पेमेंट तो लेना पड़ेगा, पैसे तो निकालने पड़ेंगे। क्योंकि जब तक हमारे 100 SP का बिजनेस नहीं क्लोज होगा और 100 SP की 12 ज्वाइनिंग लेफ्ट में और राइट में नहीं आएंगी तो टारगेट होगा कैसे? किसी को बड़ी दया आती है, अरे सर वो कहां से दे पाएंगे? अगर डॉक्टर अपने मरीज पर दया कर दे ऑपरेशन के टाइम, तो क्या मरीज कभी लंबी जिंदगी जी पाएगा, स्वस्थ हो पाएगा? ये सिर्फ हमारा माइंडसेट है कि हम पैसे ले रहे हैं। नहीं भाई, आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। आपने अगर किसी से पैसे नहीं लिए, वो पैसे बचेंगे नहीं, उस व्यक्ति के कहीं ना कहीं तो खर्च हो जाएंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक परिवार ऐसा बता दीजिए जिसके ऊपर, हेल्थ के ऊपर साल भर में 10-15 हजार रुपए खर्च ना होते हो। कितने लोग सहमत हैं कि जरूर सर होते हैं, हर परिवार में होते हैं? यस गुरुजी, यस सर होते हैं गुरुजी, 100%। तो एज ए लीडर हमारी ये सोच होनी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं।
वो 10-15 हजार रुपए जो मार्केट में उनके खर्च होने वाले हैं वो बचवाने का काम कर रहे हैं, और वो बचवा के अगर हमने इस बिजनेस में लगवा दिया तो उनकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी और बिजनेस भी मिल जाएगा। लोग पैसा देने से बचते हैं, लेकिन हमें तो पैसा चाहिए क्योंकि हमें टारगेट करना है और उनकी जिंदगी बदलनी। तो पैसे निकालने की जो प्रक्रिया है, पैसे लेने की जो प्रक्रिया है, जो फॉलोअप है, वो आपको सीखना पड़ेगा। पैसा ना देना पड़े इसलिए लोग क्या करेंगे, बोलेंगे मेरे पास पैसा नहीं। सच्चाई ये है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है तो 10-20 हजार रुपए का मैनेजमेंट उसके पास नहीं होता। सच्चाई तो ये है कि वो व्यक्ति ये सोच रहा है कि पैसे नहीं है, ये मैं बहाना बना के अपने आप को बचा लूं, पैसा ना देना पड़े। आपको इमोशनली उसको जवाब देना पड़ेगा कि सर आज पैसे नहीं है, मैं चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप 15 हजार रुपए बचा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कल जब आपका बच्चा बोलेगा कि पापा मेरे दोस्त पार्टी कर रहे हैं, मुझे 15 हजार रुपए दे दो, मैं भी गिफ्ट करना चाहता हूं अपने दोस्तों को, और आप बोलेंगे पैसे नहीं है। कल बीवी को जाना होगा मायके कहीं फ्रेंड की शादी में और बोलेगी पैसा करो, 15-20 हजार रुपए दो, मुझे कुछ गिफ्ट देना है, मुझे अपने लिए साड़ी खरीदनी है, फिर आप बोलेंगे पैसे नहीं है। आपके माँ बाप की तबीयत खराब है और एक अच्छे हॉस्पिटल में माँ बाप बोले दिखा दो, और आप सोच रहे हैं पैसे नहीं है कैसे इलाज कराऊं। सर क्या गलती करी उस बच्चों ने जो हमारे यहां पर पैदा हुए, क्या गलती है उस लेडीज की जो हमारे यहां पर शादी करके आई, और क्या गलती है उन माँ बाप की जिन्होंने हमें पढ़ा लिखा के इस लायक बनाया और हमारे पास पैसे नहीं है। क्या सर आपने कभी सोचा? सर आपको क्या लगता है हम अपनी मर्जी से आए हैं? या आपके पास पैसे नहीं है, आपकी हर प्लानिंग बहुत बढ़िया थी लेकिन हर प्लानिंग आपकी फेल हुई, इसकी वजह से आज आपके पास पैसे नहीं है, इसलिए आज ऊपर वाले ने अपनी प्लानिंग भेजी है, ऊपर वाले की प्लानिंग से आज मैं आपके सामने आया हूं। मैं और किसी के पास जा सकता था, क्योंकि बिना ऊपर वाले की मर्जी के पत्ता नहीं हिलता है। आपके पास बैठा हूं, आपके पास आया हूं, इसका मतलब ये ऊपर वाले की प्लानिंग है। और जिंदगी में आज के बाद अगर एक बार आपने मैनेज किया तो कभी बच्चे बोलेंगे पापा पैसे चाहिए तो आप बोलेंगे यस, मैडम बोलेंगी पैसे चाहिएंगे होंगे यस, दोस्त पैसे मांगेगा यार मदद कर दे तो आप बोलेंगे यस, माँ बाप की इलाज की बात आएगी तो आप बोलेंगे यस। सर एक बात बताइए, अगर एक बार मैनेज करने से जिंदगी में यस 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 हो जाए और एक बार मैनेज नहीं करा तो जिंदगी में नो 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 ही लगी रहेगी, तो आप क्या करना चाहेंगे, यस चाहेंगे या नो चाहेंगे? यस गुरुजी, यस गुरुजी। तो बताइए सर इंतजाम अभी हो जाएगा या शाम को हो जाएगा, ऑनलाइन करेंगे या एटीएम से निकाल के देंगे? सर ऑनलाइन करेंगे। सर आपको इमोशनली करना पड़ेगा, सामने वाले से कनेक्ट होना पड़ेगा। कोई 15 हजार रुपए क्यों दे आपको, आपको बताना पड़ेगा कि आपके 15 हजार देने से उसको मिलेगा क्या, फालतू नहीं है किसी के पास। जब आप बैठते हैं ये बातें वही व्यक्ति कर पाएगा जो इस बिजनेस में अपने आप को जोड़ चुका है, जिसको भरोसा हो चुका है, यकीन हो चुका है कि इस बिजनेस से उसकी जिंदगी बनेगी, वही व्यक्ति भरोसा दे पाएगा। किसी को भी कन्वेंस नहीं करना है, सिर्फ कनेक्ट करना है। कन्वेंस तो आदमी अपने आप हो जाता है, आप कन्वेंस हो जाइए अपने लिए, किसी और को नहीं समझाना, खुद को समझाना है कि बिजनेस मेरी जिंदगी है। जब लोग आपकी आंखों में सच्चाई देखते हैं, आपकी जुबान में भरोसा देखते हैं, तो लोग 15 हजार तो छोड़ो 15 लाख और 15 करोड़ का भी डील कर लेते हैं आपके साथ। एक प्रॉपर्टी डीलिंग में कोई व्यक्ति काम करता है, जब लोग बोलते हैं प्लाट तो बहुत महंगा है, वो बोलता है भाई साहब महंगा नहीं है, आज बहुत सस्ता है, कल बच्चे बड़े हो जाएंगे, आज मैनेज करके ले लो आप, कल बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी शादी विवाह करोगे, आप ले नहीं पाओगे, और आज सस्ता है, कल यहां से रोड चौड़ी हाईवे निकल जाएगा, यही जमीन करोड़ों की हो जाएगी। सर आज मौका है, आज ले लो आप। आदमी सोचता है कि भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, ले लो, और आदमी लाखों रुपए का डील डन करता है कि नहीं करता, हाथ खड़ा करके वो करता है सर। अब उसने बोला प्लॉट महंगा है और ब्रोकर बोल रहा है भाई साहब बिल्कुल महंगा है, लेना हो तो ले लो, नहीं तो जा ऑटो पीछे, क्या आदमी ले लेगा? ऐसे सेल होती है, ऐसे क्लोजिंग होती है। क्लोजिंग करते समय सामने वाले को आपको पैसा क्यों देना है, आपको इसमें उसकी मदद करनी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा कि पैसा देने से उनको क्या मिलेगा, उनकी कौन कौन सी प्रॉब्लम दूर हो सकती है, उनको क्या बेनिफिट मिलेगा। जब आप उनको बेनिफिट बता देंगे
तो मैं गारंटी देता हूं ऐसे ऐसे लोग भी हैं हमारी टीम में, इतना अच्छा फॉलो अप करते हैं, इतनी अच्छी बातें बताते हैं कि सामने वाला फोन करके बुलाता है, सर पैसे का इंतजाम हो गया ले जाओ आके। ऐसा किसी के साथ हुआ यहाँ पर? कितने लीडर बैठे हैं जिनके साथ ऐसा हो चुका है? तो अगर वो कोस्ट है तो अपनी अनम्यूट करके बताए। गुरु जी बिल्कुल हुआ है गुरु जी, हुआ है। तो जब आपके साथ हो सकता है तो क्या सबके साथ नहीं हो सकता है? बिल्कुल गुरु जी। पर ये बात हमें और आपको समझनी पड़ेगी, जितने लोगों के साथ हुआ है वो जिंदगी लगा के काम कर रहे हैं, उन्हें 1% भी डाउट नहीं है इस बिजनेस के ऊपर और अपने ऊपर। हमें अपना डाउट क्लियर करना पड़ेगा। हमारे प्रेम सर बोल रहे हैं सर मेरे साथ भी हुआ है 13 तारीख को, बहुत बढ़िया सर। अगर आपके साथ ऐसा होने लगा तो समझ जाओ आप बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हो। तो ये सब कुछ आप भिड़ेंगे कब? आप सामने वाले के सामने टिकेंगे कब? जब आप क्लियर होंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे कि मुझे टारगेट करना ही है। और मेरा टारगेट तब होगा जब मैं सामने वाले को उनके फायदे बता के उनको ज्वाइन करा के 100 SP 200 SP लेके ही उठूंगा। वो बोलता है मेरे घर में कोई सर बीमारी ही नहीं है, मैं क्यों करूं? फिर भी मैं समझाऊंगा सर बीमारी नहीं है, धन्यवाद दीजिए ऊपर वाले को, सर कोई बीमारी नहीं है घर में। तो मैं आपको बताना चाहता हूं सर मैं ना डॉक्टर हूं ना मैं दवाई दे रहा हूं आपको, जो बीमारी आपको जरूरी है सर। जैसा मैंने प्लान में आपने समझा होगा, शायद आपने समझ नहीं पाया सर, हम कोई दवाई बेचने का काम नहीं करते हैं जो आप बोल रहे हैं कि सर मेरे घर में कोई बीमार नहीं है। सर हमारी संस्था का काम दवाई बेचना नहीं है, हम लोग सर आयुर्वेदिक रस और काढ़े के रूप में ये वो प्रोडक्ट हैं जो हमारे शरीर में हो रहे पोषक तत्वों की कमी को दूर करते हैं। आज हम स्वस्थ हैं लेकिन कल स्वस्थ रहेंगे कि नहीं रहेंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं, क्योंकि आज जो हमारा खान पान है, आज जो हमारा वातावरण है इतना दूषित है कि हमें कभी भी बीमार कर सकता है। और जब दर्द होता है, कहीं दिक्कत होती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बताता है आपको शुगर हो गया, आपको तो हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, आपकी तो किडनी में प्रॉब्लम हो गई, आपका तो लीवर डैमेज हो गया, क्या कोई इस तरीके की बीमारी, मैं सर आपसे जानना चाहता हूं क्या बता के आती है? आज कोरोना तो बता के आया है, हम मास्क लगा के सैनिटाइज करके अपनी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन ये बीमारियां लाइफस्टाइल डिजीजेस अंदर से आती हैं। और हार्ट अटैक आने से पहले मैसेज नहीं करता कि मैं आने वाला हूं, लीवर मैसेज नहीं करता कि मैं खराब होने वाला हूं, कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो सर जो हमारे प्रोडक्ट हैं, हम चाहते हैं कि हमारा परिवार स्वस्थ रहे, हम गाड़ी लाते हैं, बाइक लाते हैं, टाइम टू टाइम सर्विस कराते हैं। सर हमने कब अपनी बॉडी की सर्विस करवाई? तो हमारे पास सर जो इम्यूनोडॉक प्रोडक्ट है ये हमारी बॉडी को सर्विस करता है, हमारी बॉडी में हो रहे पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है। सर आपके घर में 6 लोग हैं, आप नहीं चाहते 6 के 6 लोग स्वस्थ रहे? बोले बिल्कुल चाहते हैं। सर आप नहीं चाहते आपके माँ बाप फिट बने रहे? बोले बिल्कुल चाहते हैं। सर जैसे जैसे 40-50 साल की उम्र के ऊपर लोग जाते हैं तो बॉडी के अंदर प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है, मिनरल्स बनना बंद हो जाते हैं। तो सर हमारे पास 2 प्रोडक्ट हैं, एक नॉनी और क्लोरोडॉक। अगर कोई व्यक्ति 50 साल की उम्र के ऊपर इन प्रोडक्ट को रेगुलर यूज करता है तो उसको बुढ़ापा नहीं आएगा जल्दी, बुढ़ापे में होने वाली समस्याओं से बच जाएगा, फिट रहेगा, फाइन रहेगा। आप चाहते हैं आपके माँ बाप फिट एंड फाइन रहे तो सर ये क्लोरोडॉक जरूर पिलाएं। सर माता पिता के लिए 2-2 क्लोरोडॉक हो गए, आप सबके लिए 6 लोगों के लिए इम्यूनोडॉक हो गए। सर हो गया 100 SP, सर लाइए चलिए बिल बनाइए। ये हम कब करेंगे? जब हमारे दिमाग में क्लियर होगा कि हमें टारगेट करना है और हम जहां बैठेंगे उस परिवार से उनकी क्या हेल्प होगी, उनकी हेल्प उनकी फायदे बता के, और हमें क्लोजिंग करना ही करना है। इतने लोग समझ पा रहे हैं? यस और नो? यस गुरु जी, यस गुरु जी। कर पाएंगे? अगर कोई बोलता है मेरे घर में कोई बीमार नहीं है तो क्या करेंगे, समझा पाएंगे? यस गुरु जी। 3 things फॉर टारगेट, ये 3 ऐसी चीजें हैं जो आपको टारगेट कराने के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये 3 चीजों पे आपका फोकस है तो आपका टारगेट जरूर हो जाएगा, भले ही 15 दिन बचे हैं, 14 दिन बचे हैं, 100% हो जाएगा। सबसे पहली है एम्बिशन। आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए कि साला कुछ भी हो जाए, इस बार इतना टारगेट के लिए बोला जा रहा है, इतना टारगेट के लिए बोला जा रहा है तो इस बार करना ही है। एम्बिशन, महत्वाकांक्षा जगाइए अपनी। महत्वाकांक्षी लोग जिंदगी में बड़ा करते हैं, संतुष्ट लोग कुछ नहीं करते हैं। महत्वाकांक्षी बनिए, संतुष्ट होके मत घूमिए,
अरे मेरे पिताजी ने इतना कर दिया, बहुत है और क्या करना है। नहीं, अपनी पहचान बनाने के लिए महत्वाकांक्षी बनना पड़ेगा। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। कभी अच्छे रिजल्ट आएंगे, कभी नहीं आएंगे, तो एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखना है। एटीट्यूड हमेशा रखना है कि मैं विजेता हूं और मैं विजेता बन के रहूंगा, कोई भी ताकत मुझे रोक नहीं सकती। और एक्शन, एक्शन लीजिए, तुरंत एक्शन लीजिए, एक्शन पे एक्शन लीजिए, हो जाएगा। आइए देखते हैं एक्शन में क्या क्या चीजें हैं। आप अपनी पहचान अच्छे अच्छे लीडर के रूप में बनाना चाहते हैं या टाइम पास लीडर के रूप में बनाना चाहते हैं, इसके ऊपर आप एक्शन लीजिए। चालाक या समझदार? समझदार लीडर बनना है। कुशल व्यवहार या गुस्सेबाज? कुशल व्यवहार में रहना है, इस पे एक्शन लीजिए। अगर आपका अपलाइन आपके नाम से खुश हो जाता है तो समझो आप सही हैं। ऐसे लीडर बनिए, एक्शन लीजिए इसके लिए। ये बात सभी उन लीडर्स पे लागू होती है जो डायमंड बनना चाहते हैं। क्या आप इन चीजों पे एक्शन लेने के लिए तैयार हैं? यस गुरुजी। यस महागुरुजी। एटीट्यूड, नजरिया बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ा कारण है नजरिया लोगों की सफलता में। टारगेट करने के लिए हर बार वो परिणाम नहीं मिलेंगे जो हम चाहते हैं। आप फील्ड में गए, पता चला पूरे दिन प्लान दिखाए लेकिन कोई आईडी नहीं आई, फिर भी आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है। हो सकता है कि आज परीक्षा ली ऊपर वाले ने, अगले दिन हो सकता है कि लाइन लगा के ज्वाइनिंग आए, लेकिन अगले दिन अगर आप नेगेटिव हो गए तो क्या आप फील्ड में जाएंगे? अरे सर कोई मिलता नहीं है, कोई जुड़ता नहीं है, कितना मेहनत करी कोई तो आया नहीं, ये सब करने के बजाय अगले दिन फिर अपनी मेहनत पर भरोसा करके आपको एटीट्यूड पॉजिटिव रखते हुए जाना है। कई बार वो हमारे साथ नहीं आएंगे जिन्हें हम, जिन पर हमें भरोसा है। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत भरोसा करते हैं और लोग हमारे साथ नहीं आते, फिर हम क्या हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। काफी सारे हमारे साथी नए बैठे होंगे, आप उम्मीद कर रहे होंगे, भरोसा कर रहे होंगे कि मैं उसको जोड़ लूंगा, उसको जोड़ लूंगा, और वो लोग नहीं आएंगे तब क्या करोगे? कोई आए कोई नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, दुनिया में लोगों की कमी नहीं है। सिर्फ आपको विश्वास रखना है कि मैं कामयाब होकर दिखाऊंगा, टारगेट जीत के दिखाऊंगा। और हमारा सिस्टम बोलता है कौन करेगा कौन नहीं करेगा पता नहीं, कौन साथ देगा कौन नहीं देगा पता नहीं, जो साथ दे वो अपना, जो नहीं साथ दे उसको क्या बोले अपना। तो कौन करेगा कौन नहीं करेगा किसी भी सिचुएशन में, बस अपने आप को पॉजिटिव रखने की जिम्मेदारी लेनी है। और उस वक्त आपका नजरिया भागने वाला नहीं होना चाहिए, करके दिखाने वाला होना चाहिए। जितना आपको रिजल्ट ना मिले, जितना आपका विरोध हो, जितना आपके आपके ऊपर मजाक उड़े, उतना ही आपको जिम्मेदारी लेनी है कि मैं भागूंगा नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। चार लोगों ने मना क्या कर दिया, चार लोगों ने बोल दिया अरे और भाई करोड़पति क्या हाल चाल है, चार दोस्तों ने बोल दिया बन गए, हमें ऐसा लगता है कि धरती फट जाए इसी में घुस जाए। आज तक इसने मेरे से कुछ बोला नहीं, मेरे से ऐसे लोग कैसे बोल सकते हैं? तो सर लोग तो लोग हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, स्वतंत्र हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक ही बात सोचनी है कि जिस जिसने इतिहास लिखा है हमेशा जग उस पे हंसा है, यानी कि जिस जिस पे जग हंसा है इतिहास उसी ने लिखा है। महात्मा गांधी जी ने ये बात बोली थी कि जब आप कोई बड़ा काम करेंगे, नया काम करेंगे, तो पहले लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, पहले लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, फिर लोग आपका विरोध करेंगे, फिर लोग आपका साथ छोड़ देंगे, फिर भी आप नहीं रुकेंगे तो वही लोग आके बोलेंगे फिर मुझे तो पता था आप कर लोगे। यस और नो? यस सर। तो हमें रुकना नहीं है, हमें थकना नहीं है, किसी की बातों में नहीं आना, अपने नजरिया को 100% पॉजिटिव रख के काम करने के लिए तैयार है। यस सर। और अपने अंदर एम्बिशन, अपने अंदर अपनी चाहत को मरने नहीं देना, अपनी चाहत की चिंगारी को जला के रखना है। जब तक हमारे अंदर से चाहत नहीं होगी तब तक कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता है। अरे चाहत थी, मिल रहे थे 50-60 हजार नौकरी में, मैंने मैडम को भी मिल रहे, लेकिन चाहत थी। क्या चाहत थी? मुझे पता चला था कि इस बिजनेस के अंदर एक जिंदगी मेरी अच्छी चल रही थी, गुड लाइफ चल रही थी, लेकिन मुझे जैसे ही पता चला कि गुड लाइफ इज द एनिमी ऑफ ग्रेट लाइफ,
एक अच्छी जिंदगी एक महान जिंदगी की दुश्मन होती है, और मुझे यहाँ लगा कि इस बिजनेस के माध्यम से एक अच्छी जिंदगी बनाई जा सकती है, लोगों की मदद की जा सकती है, अपने जैसे लोगों के परिवारों में खुशियां लाई जा सकती हैं। तुरंत मैंने अपने अंदर वो चाहत पैदा करी, और वो चाहत का ही तरीका है, वो चाहत का ही कारण है कि बिना रुके बिना थके लगातार अपने टीम के सहयोग से, अपनी टीम का साथ देके, साथ लेके, अपलाइन की बात मान के, सिस्टम को फॉलो करके 100% डेडिकेशन के साथ में अपने लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप अपने अंदर चाहत जब तक नहीं पैदा करेंगे आप कोई भी लक्ष्य नहीं पा सकते हैं। आज चाहत है कि हर बार टारगेट जीतना है, हर वीक चेक बनाना है, जिसलिए आज वो चाहत पूरी हो रही है। क्या आपके अंदर आप अपनी चाहत को पैदा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उसको जगा के रख सकते हैं नहीं रख सकते हैं? बिल्कुल महागुरु जी, यस महागुरु जी, रह सकते। जिस दिन हम अपने सपने को पाने के लिए निकल पड़ेंगे, लक्ष्य कदमों में होगा आपके, कोई नहीं रोक सकता है। आपने देखा होगा बहुत भीड़ होती है, और एक आदमी स्पीड ऑटो 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 अपने आप लोग साइड दे देते हैं। तेज दौड़ने वाले को भीड़ भी रास्ता दे देती है। आपने देखा होगा बहुत जाम लगा है, एक आदमी आता है मोटरसाइकिल लेके, आदमी बोलता है बचो 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 बचो, और निकल के चला जाता है। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस सर। जब आपकी स्पीड हाई होगी, ना तो ब्रेकर दिखेंगे, ना गड्ढे दिखेंगे, कुछ नहीं होगा, सब साइड दे देंगे, जाम वाले भी साइड दे, अरे जाने दो भैया ये नहीं रुकेगा। तो अपनी स्पीड ऐसी बनाओ, अपनी महत्वाकांक्षा, अपने अंदर ऐसा जुनून लाओ भैया, कि अगर कोई रिश्तेदार बोले अरे तू क्या कर रहा है फालतू के चक्कर में, कुछ नहीं होगा तेरा, तो रिश्तेदार को बोलो आंखों में आंख डाल के, तुम बताओ वही करेंगे, महीने के 5 लाख चाहिए और महीने में 4 दिन काम करेंगे, तुम्हारे हिसाब से करेंगे, बताओ कोई काम हो तो। बोले ऐसा कोई काम होता है, कहां से 5 लाख आएंगे? बोले मैं करवाऊंगा, तुम्हें करना है आ जाओ। आज मेरे गुरु जी दिलीप चौबे सर 12 लाख महीने कमाते हैं, मेरे सामने 20,000 महीने कमाते थे, और 20 से आज 2 साल के अंदर 3 साल के अंदर 12 लाख महीने पे हैं। तुम्हें चाहिए है? जो आदमी आपको नेगेटिव करना आया था, आपकी महत्वाकांक्षा आपके जुनून को देख के बोलेगा अच्छा हम भी करेंगे। ढीले आदमी के साथ कोई नहीं आता है। ये तो लोगों को बात समझ में आ रही है। और लास्ट बात, घोड़े को पानी दिखाया जा सकता है, पिलाया नहीं जा सकता है। ये सारी बातें मैं आपको बता तो रहा हूं, लेकिन आपको करना नहीं करना ये आपके हाथ में है, और मुझे विश्वास है कि आप जरूर करेंगे। टारगेट करते समय ध्यान रखने की बात है, टीम की लिस्ट में 200 से 300 तक लिस्ट साथ बैठकर बनवाएं, रोजाना टीम की लिस्ट पर प्लान करें, जब टीम के प्लान नहीं हो तब अपनी लिस्ट पर काम करें, अपनी टीम के टारगेट का वीकली स्टेटस नोट करके प्रत्येक सप्ताह लीडर को याद दिलाएं कि टारगेट करना है, टीम की ग्रुप मीटिंग प्रत्येक सप्ताह, और अपनी टीम को टारगेट के लिए प्रेरित करें, नए ज्वाइन लोगों की ग्रुप मीटिंग अपने अप्लायंस से मिलवाकर टारगेट के लिए प्रमोट करें, और नए ज्वाइन लोगों के परिवार और को बिजनेस में शामिल करें, बताएं उनकी फैमिली को कि कैसे उनके बिजनेस से, अपने बिजनेस उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। मॉनिटर करें अपनी टीम को, अपने काम को, कि आप मान लीजिए आपकी टीम में कोई अशोक जी हैं और आपको पता चला कि वो ज्वाइन हुए, तो आप चेक करो कि उनकी FIM हुई कि नहीं हुई। महेश जी कोई आपकी टीम में आए, महेश जी आपकी टीम में कोई व्यक्ति आए हैं, आपको पता चला तो आप चेक करो उनकी FIM हुई कि नहीं। कोई मोहन जी टीम में आए हैं, हुई कि नहीं हुई है। और जितने नए लोग आपकी टीम में आते हैं, आपकी टीम के माध्यम से आते हैं, उनकी भी डिटेल आप अपने पास रखो, पैकेज पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ध्यान रखो लोगों का, उन लोगों को कोर बनाया गया कि नहीं बनाया गया, ध्यान रखो ब्रॉन्ज बने कि नहीं बने। आपकी टीम में आए हुए नए लोग, जो नए बीज हैं, जो नए हमारे साथी हैं, जो हमारे परिवार के नए हिस्सा हैं, हमारे मेहमान हैं, इन नए लोगों को शुरुआत में, जब कोई पौधा उगता है तो शुरुआत में देख रेख की जरूरत होती है, उसके आसपास बैरिकेटिंग करनी पड़ती है, तो शुरुआत के जो नए लोग हैं उन्हें सीनियर लोग मिलके, उनके अपलाइन मिलके, सब लोग मिलके उनकी केयर करके, उनकी FIM, उनका पैकेज, उनको सिखाना, उनको लेवल कराना, मैं सब लोग एक दूसरे अगर नए लोगों की मदद करेंगे, मॉनिटर करेंगे, तो बताइए बिजनेस बड़ा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल बड़ा होगा महागुरु। तो अपना कंपटीशन बनाइए कि इस बार मैं अपने सर, आप अपने आप को कमिटमेंट लीजिए कि सर आपकी टीम में कोई टारगेट करे नहीं करे, मैं टारगेट करके दिखाऊंगा, मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, अगर कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं।
कंपटीशन आपको ईंधन देता है, इसलिए आप अपने काम को तेज करने के लिए आप चुनो कि अगर कोई और कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा टारगेट आप कराएं, और गोवा टारगेट आपके सामने है, अभी नहीं तो कभी नहीं, और आज नहीं तो फिर कभी नहीं, इस बार तो करना ही करना है, और इस बार 300 के 300 टारगेट हमें लेके चलने हैं, और मुझे आज भी विश्वास है, लास्ट वाले दिन तक भी विश्वास है कि आप टारगेट करेंगे 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 करेंगे, क्योंकि आप अपने आप से प्यार करते हैं, आप अपने परिवार से प्यार करते हैं, आपको अपने भविष्य से प्यार है, और आप अपनी पहचान से प्यार करते हैं, और आपको ऊपर वाले पे विश्वास है कि आप जिंदगी में जो अपना नाम लेके आए हैं माँ बाप ने दिया है, लेकिन इसकी पहचान आप अपनी मेहनत से बनाएंगे, कि आप तैयार हैं क्या? कंपनी वेबसाइट पे अपना नाम लाने के लिए तैयार है? यस सर। महागुरु जी 100%। अगर आप तैयार हैं तो सक्सेस रूट आपके सामने है, ज्वाइन कर लिया आपने, ज्वाइन कराओ लोगों को, FIM करो, लिस्ट बनवाओ, ब्रॉन्ज बनाओ, कोर बनाओ, सिस्टम में डाल दो, बस और कुछ नहीं करना है, इस रूट को फॉलो करते जाइए करते जाइए करते जाइए करते जाइए, आपका टारगेट, आपके चेक, आपके लेवल, आपकी पहचान, आपकी सफलता आपके कदमों में होगी, दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकती है। आज हमने यही किया, हमारे सीनियर लीडर्स ने यही किया, हमारे गुरुजी ने यही किया, और आज यही बेसिक काम करके हम यहां तक पहुंचे हैं, आप करेंगे आपके साथ में होगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गो डायमंड, थैंक यू वेरी मच। तैयार है सारे लोग, लग जाइए, और आज का दिन, कल का दिन हमारी क्लोजिंग का दिन है, अपने जो भी बातें समझिए, सब अपनी टीम से रिव्यू लीजिए, सबके साथ बैठिए, जिसकी लिस्ट नहीं बनी लिस्ट बनवाइए, जिसकी FIM नहीं हुई है FIM करिए, जिसका फॉलोअप नहीं हुआ है फॉलोअप करिए, कुछ ना कुछ डेली करिए, डेली तैयार होइए, डेली काम करिए, डेली रिपोर्टिंग करिए, आपका टारगेट दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। कितने लोग तैयार है, मुट्ठी बांध रहे? Yes, महागुरु जी बिल्कुल। क्या आपको अपने ऊपर भरोसा है? यस सर। यस सर। सुपर वाले पे भरोसा करना है, उसकी प्लानिंग है, हमें भरोसा अपने ऊपर करना है, और दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, अपने प्लान का साथ लीजिए, जो नहीं आता है सीखिए करिए, मैं आपके साथ में हूँ, और इस बार हम बहुत बड़ा करके दिखाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, करते हैं मिलके, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, और मिलते हैं गोवा में, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गो डायमंड। Thank you, sir.